गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो मयंक खड़े हो जाइए, टेस्ट ले रहा हूं ना। सो मयंक विल टेल मी व्हाट इज कॉसेक 60। बुक बंद करो। नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज कॉट जीरो। जीरो जीरो कॉट जीरो जीरो करेक्ट है क्या? वॉट एंड कितना और नॉटिफाई एंडी नहीं बस ठीक है, खड़े रहो। हाँ, और किस किस का नंबर आया था कल? बनान खड़े हो। यू विल टेल मी व्हाट इज सेक 30 डिग्री। तो बोल जब जिससे पूछूं तब बताया जाए, ठीक है? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज कॉसेक 45 डिग्री? रहे रूट टू। एंड व्हाट इज कॉट 90 डिग्री? हो बेटा। ठीक है, तो अभी तक अटक रहे हो ना। और कौन था खड़े हो? आप बताएंगे व्हाट इज सेक 0 डिग्री? बेटा नॉट डिफाइंड तो टेन और कॉट के अलावा कभी आता ही नहीं। इतनी सी बात याद नहीं रख सकते हम? 30 वैल्यूज याद करते टाइम हम इस चीज को नहीं रख सकते। सेकंड भी कॉसेक और सेक में भी आता है। हाँ, तो आता मैंने क्या पूछा आपसे? व्हाट इज सेक 0 डिग्री? सेक 0 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ, बताओ सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का। कॉस का, तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? तो वन का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा। वन का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा, वन का रेसिप्रोकल 0 होगा। ठीक ठीक है, अगला कौन था? आपसे एक ही पूछा, ठीक है आपसे दूसरा पूछते हैं। आप बता दीजिए व्हाट इज सेक 90 डिग्री? क्यों हंसी आ रही है? बड़ा अच्छा फील हो रहा है। बचपन बचपन से सपना था ट्रिग्नोमेट्री क्लास में बैठूंगा। नॉट डिफाइंड पक्का। और सेक 60 डिग्री? ठीक 2/√3। ठीक है, खड़े रहो। हाँ जी, आप बताएंगे कॉट 30 डिग्री? ओके। एंड कॉसेक 30 डिग्री? है 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री रूट टू। सर एक लास्ट सवाल, सेक 90 डिग्री, एक ही बार में सही बताना। बैठो। सेकंड डिग्री आप तीनों निकालिए नोटबुक्स, अपनी अपनी बाहर निकली। तीन बाहर कोने पकड़िए इस क्लासरूम के, तीन अलग अलग कोने, इधर से दिख जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। और किसी को भी दिखा पनिशमेंट? मेरे पास ग्रेडिंग है नहीं। आइए, तो टेस्ट, आप ओरल टेस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं और आप टीचर से पूछ रहे हैं कि सर रिटन टेस्ट कब लोगे? हाँ, तो ओरल में कॉपी करने के चांसेस कम है, रिटन में तो टीप लेंगे, है ना। आइए, क्वेश्चन नंबर 11। ए टीवी टावर, सो देयर इज अ टीवी टावर दैट इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। कैनल, अगर हमारे इस चैप्टर में कैनल वर्ड लिखा रहता है तो हम उसको रिवर मानेंगे, ठीक है। ज्योग्राफिकल, उसके डायमेंशन पे नहीं जाएंगे भाई, कैनल और रिवर में ज्योग्राफिकली क्या डिफरेंस होता है, अभी मैथमेटिकली दोनों बराबर है, ठीक है। तो नदी का किनारा ऐसे मान लो, कोई भी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी का किनारा है।
उसके एक किनारे पे तो ये टावर खड़ा है वाटर बॉडी के, जैसे रोड का किनारा देखा था अपने, रोड की साइड देखी थी एक साइड, दूसरी साइड, वैसे ये नदी का किनारा है, नदी का एक बाजू और क्रॉस करके जाए तो नदी का दूसरा बाजू, समझ आया? ठीक है, तो नदी के एक किनारे पे तो टावर है। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे बैंक का मतलब होता है किनारा ना, ठीक है, ये बैंक वाला बैंक नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला बैंक नहीं है, बैंक मतलब बैंक ऑफ ए रिवर या बैंक ऑफ एनी वाटर बॉडी, यानी उस वाटर बॉडी का किनारा, दूसरे किनारे पर, दूसरे किनारे से एक पॉइंट लिया है, तो दूसरा किनारा लेट से सी है, एक किनारा बी है, दूसरा किनारा सी है, यानी ये चौड़ाई हो गई उस नदी की या उस वाटर बॉडी की, ओके, बी सी, बी सी उसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई वाटर बॉडी की, ठीक है। उस पॉइंट से भी 20 मीटर दूर एक पॉइंट लिया गया, दूसरे बैंक से, दूसरे किनारे से भी एक 20 मीटर दूर पॉइंट लिया गया, पढ़ो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि ये तो हो गया एक किनारा, ये हो गया दूसरा किनारा, तो एक तो सीधे किनारे से ले लिया एलिवेशन, और एक उस किनारे से भी 20 मीटर दूर, फ्रॉम अनदर पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट ले रहा है वो, उस किनारे से भी 20 मीटर दूर है, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग है ये ना, ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, देखो इन क्वेश्चंस में अगर हम ये बीच की लाइंस पढ़ लें और अगर हमको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेन मेन पॉइंट पकड़ लिया करो जल्दी रीड करने के हिसाब से, अगर ध्यान से पढ़े तो देखो क्या कह रहा है, एक दूसरा पॉइंट लेना है जो कि 20 मीटर दूर होना चाहिए इस पॉइंट से, इस पॉइंट से किससे, जिसकी बात अभी की जा रही थी, दूसरे किनारे वाला जो पॉइंट था सी, इससे 20 मीटर दूर एक पॉइंट लेना है, ले लिया। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट है डी, ये किस पे लाया कर रहा है, उस लाइन पे लाया कर रहा है जो कि इस पॉइंट को फुट ऑफ द टावर से जोड़ रही है, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन, कहने का मतलब ये है कि लेट से इधर देखो मेरी तरफ, लेट से बीच में नदी है, मैं नदी के इस पार हूं और नदी के उस पार एक पॉइंट है, ओके, और फिर उस पॉइंट से 20 मीटर दूर तीसरा पॉइंट है, समझ गए, तीन पॉइंट समझ गए, अब मैं जिस जहां पे मैं खड़ा हूं, जहां पे टीवी टावर है वो वाला पॉइंट, और जो अगला वाला पॉइंट है, और उससे दूर जो तीसरा पॉइंट है, अगर वो एक लाइन में नहीं आएंगे, अगर वो पॉइंट तीनों एक ही लाइन में फॉल होंगे, तब जाके तो हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाएंगे, मान लो वो एक लाइन में फॉल ना हो, क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन में फॉल हो सकते हैं, दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन में फॉल हो सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ लगाए, एक पॉइंट कहीं भी लगाओ तो एक लाइन बनाई जा सकती है, लेकिन तीन पॉइंट्स हमेशा एक लाइन में फॉल हो इसकी गारंटी नहीं है, तो उसने क्लियर कर दिया कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में फॉल हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, तो हाइट ऑफ द टावर दैट मीन्स ए बी, और विड्थ ऑफ द कैनल अभी अभी बताया था ना बी सी, तो ए बी भी निकालना है, ये ए बी भी निकालना है क्वेश्चन मार्क, और बी सी भी निकालना है क्वेश्चन मार्क, और सी डी की लेंथ मुझे गिवन है 20 मीटर। अब सुनिए ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, इस फिगर को, ये भी कहते हैं इस फिगर को ऐसे फ्लिप कर दो, एग्जैक्टली इससे पिछले वाले क्वेश्चन का फिगर बन गया कि चेक करो, फिर से सोचो, इस फिगर को ऐसे फ्लिप कर दो, तो ये रहा वो पेडेस्टल, ये इसके ऊपर मूर्ति, क्वेश्चन किया है कि क्या है, पहले मूर्ति की हाइट पता है, नीचे पेडेस्टल की हाइट पूछी गई है, बात वही हो गई, ठीक है ना, तो घुमा फिरा के सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तो वही है, और एंगल ऑफ एलिवेशन में टेंसी का लगता है, दोनों एंगल का ट्रायंगल पहचानो जल्दी से, एबीसी ए बी सी डी बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा बोलो, ए बी सी हो गया, ए बी डी ले लो, इन ट्राइंगल ए बी डी, दो राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई हो गए, चलो जी, दोनों में 10 लगेगा क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और का क्वेश्चन है, उसमें 10 ही लगता है, ए बी सी में कौन से एंगल पे एक्यूट एंगल है, कौन से वर्टेक्स पे एक्यूट एंगल बना हुआ है, ए बी सी में सी पर, तो 10 सी इक्वल टू वही अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, इधर आओ, ट्राइंगल ए बी डी में कौन से वर्टेक्स पे एक्यूट एंगल बन रहा है, टी पर बन रहा है, तो 10 डी इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है, चलिए आइए, तब एंगल सी कितना है बोलो, 60 डिग्री गिवन है, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने वाला अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी होगी,
और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? तो जब मैं एडजेसेंट साइड की बात कर रहा हूं तो देखो 60 डिग्री के हिसाब से एडजेसेंट साइड बीसी होगी और 30 डिग्री के हिसाब से एडजेसेंट साइड पूरी बीडी हो, समझ गए? जब ये छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो छुपा दिया हूं, तो 60 डिग्री के हिसाब से एडजेसेंट साइड बीसी, लेकिन जब ओवरऑल ट्रायंगल ए बी डी की बात की जा रही है 30 डिग्री के हिसाब से सामने वाली साइड की सेम आएगी ये भी, तो ये एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? पूरी बी से लेके डी एडजेसेंट साइड चेंज हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में जब मैंने इसको सर फ्लिप कर दिया था, पिछला क्वेश्चन जो स्टैच्यू वाला किया था उसमें क्या हो रहा था, एडजेसेंट साइड सेम थी, अपोजिट साइड में डिफरेंस था। अभी अपोजिट साइड सेम है, एडजेसेंट साइड में डिफरेंस है, ठीक है? ओके, सो ए बी इधर और ये 10 डी 30 डिग्री है ही सही, यहाँ पे भी अपोजिट साइड सेम है ए बी, पर एडजेसेंट साइड में डिफरेंस है। यहाँ पे एडजेसेंट साइड है बी सी, वहां पे एडजेसेंट साइड है बी डी। ओके चलो वैल्यू पुट अप करें, बताइए 10 60 डिग्री कितना होता है? ए बी पता है क्या? नहीं पता है, पता करना है। और बी सी, बी सी भी नहीं पता है, नहीं पता है, और बी सी भी पता करना है, ए बी भी पता करना है और बी सी भी पता करना है। तो डू वन थिंग, इसको बी सी लिख दो, ठीक है? इधर आओ 10 30 डिग्री, या तो आप बी सी को एक्स जैसे पहले लिया था हमने, इसको एक्स और इसको वाई ले सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन कर लिया ना एक्स और वाई मान के, तो अब एक क्वेश्चन विदाउट एक्स और वाई करते हैं ताकि दोनों तरीके से करना आ जाए, ठीक है? तो BC को BC छोड़ दिया हमने, इधर आ जाओ 10 30 डिग्री 1/√3, AB को तो AB छोड़ना है। अब BD को स्प्लिट करो, B से लेकर जो ये D है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD, यस ऑर नो? BC प्लस CD लिख सकता हूँ, BC प्लस CD। अब देखिए तो इसमें से मुझे और कुछ नहीं, तो CD की वैल्यू तो पता है ना 20 मीटर, तो वो तो पुट अप कर सकते हैं 1/√3 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी एज इट इज, क्योंकि बी सी उधर भी है और सी डी कितना है 20 मीटर। डन। अब इधर और इधर देखो, इधर से भी ए बी की वैल्यू निकाली जा सकती है, इधर से भी ए बी की वैल्यू निकाली जा सकती है। या तो इधर से भी ए बी की वैल्यू निकालो, उधर से भी निकालो और इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेट करो। एक तरीका ये तरीका हमने पिछले क्वेश्चन में भी फॉलो किया। दूसरा तरीका क्या है, ए बी की वैल्यू इधर से निकालो, जो वैल्यू आ जाए उसको उधर पुट अप करो। समझ आया? ए बी की वैल्यू इधर से तो निकाल लो, बीसी रूट थ्री आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीसी रूट थ्री वाली वैल्यू उधर पुट अप कर दो। तो ये वाला तरीका अब की बार इस्तेमाल करते हैं हम, यहां से पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रूट थ्री के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दूंगा और यहां से ए बी की वैल्यू आ जाती है ए बी इंटू 1 ए बी, और बीसी इंटू रूट थ्री गिव्स मी वॉट, बीसी रूट थ्री। अब ये ए बी की वैल्यू जो है बीसी रूट थ्री यहां से उठाएंगे और वहां पटकेंगे, पटक दें 1/√3 इक्वल टू बी सी की, ए बी की वैल्यू बोलो BC√3, नीचे क्या है प्लस 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी सॉल्व हो जाएगा, बी सी की वैल्यू इधर रख देंगे तो ए बी सॉल्व हो जाएगा, और ए बी और बी सी पता करना है, फाइन? चलो आ जाओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो देखो भैया रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो गया, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो गया 3, और बीसी 3 बीसी, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्वांटिटी आएगी बीसी प्लस 20, एक बीसी इधर 3 बीसी के पास जाएगा तो 3 बीसी माइनस 1 बीसी, कितने बीसी बचे 2 बीसी बचे इक्वल टू 20। फिर इधर आ जाओ तो 2 बीसी इक्वल टू 20 है तो बीसी क्या हो जाएगा 20/20/2, दैट गिव्स मी 10। इस 10 को इधर पुट अप कर दो तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10√3। तो ए बी यानी कि हाइट तो आ गई आपकी, टावर की हाइट तो आ गई 10√3 मीटर, और जो कैनल की विड्थ है बी सी वो आ गई आपकी 10 मीटर, ठीक है? बताइए बताइए, समझ आया? ठीक है, बोलो क्या डाउट है, आ गया ज्यादा अच्छे से? आ गया, बहुत ज्यादा खुशी की हो रही है, बोलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी वंश, समझ आया? चले नेक्स्ट कर दूं डिलीट, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन स्पेशल है, इसलिए है क्योंकि देखो अब तक क्या हो रहा था, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, यही हो रहा था। अभी देखो क्या हुआ, टॉप से टॉप, टॉप से टॉप, समझ रहे हो?
और फिर उसी टॉप से फुट, मतलब एक कोई टॉप वाला पॉइंट है, उस टॉप वाले पॉइंट से किसी दूसरे टॉप वाले पॉइंट पे जा रहे हैं और फिर उसी टॉप वाले पॉइंट से किसी फुट वाले पॉइंट पे भी जा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है क्या? बोलो बोलो है ना भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? टॉप से टॉप जा रहे हैं और उसी टॉप से फिर फुट पे भी जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? बोलो मयंक कैसे, मुझे सिचुएशन बताओ ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टॉप वाला पॉइंट है, टॉप मतलब कुछ हाइट पे पॉइंट है, उससे टॉप पे जा रहे हैं, उसी के टॉप पे नहीं किसी दूसरे के टॉप, उसके वो उसका टॉप तो खुद है ना, खुद से खुद पे कैसे जाएगा? दूसरी बिल्डिंग के टॉप है। अब मैं सिचुएशन बताता हूँ, देखो सपोज करो दो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी समझते हो ना, बहुमंजिला बिल्डिंग। अब बहुमंजिला बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर के बालकनी में कोई आदमी खड़ा है, खड़ा है वो सामने वाली बिल्डिंग को देख रहा है, सामने वाली अगर वो दूसरे मंजिल पे खड़ा है तो सामने वाले बिल्डिंग का तीसरा मंजिल की तरफ वो अगर देखेगा तो खुद भी टॉप पे खड़ा है और अपने से भी टॉप पे देख रहा है, समझ गए? अब उसी जगह से वो नीचे भी देख सकता है उसी बिल्डिंग के, समझ गए क्या? तो एक टॉप वाले पॉइंट से टॉप पे भी देखा जा सकता है और उसी ऑब्जेक्ट के फुट पे भी देखा जा सकता है। जब टॉप पे देखेगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जब फुट पे देखेगा तो डिप्रेशन। तो डिप्रेशन ही लिखा है, चेक करो, लिखा है ना, एक पॉइंट से एक टॉप वाले पॉइंट से और टॉप पे गया तो एलिवेशन, और सेम पॉइंट से जब मैं डिप्रेशन की जब फुट पे गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो इसका फिगर बना सकते हैं हम, इसका फिगर बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है, वो बना दिया तो क्वेश्चन बड़ा आसान। ठीक है तो देखो ऐसे बनाएंगे हम इसका फिगर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो क्वेश्चन को। देखो लेट्स से कि ये तो है वो बिल्डिंग, और जो जिसके टॉप से बात की जा रही है उसको थोड़ा छोटा बना देता हूं मैं, लेट्स से ऐसे बना देता हूं, ठीक है डन। बहुत आसान है, ठीक है। देखो भाई ये टॉप वाला पॉइंट है, इससे सामने वाली बिल्डिंग के टॉप पे गया, गए गए और उसी पॉइंट से इसी बिल्डिंग के फुट पे भी चले गए, चले गए बेटा, फिर एक लाइन ऐसे भी जोड़ दीजिए, ठीक है ओके। अब देखिए अब आगे पढ़ते हैं, ये तो फिगर बन गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, जिस टॉप से आप जा रहे हो 7 मीटर ऊंची है, यानी कि ये बिल्डिंग 7 मीटर ऊंची है, बोलो जिसके जिस बिल्डिंग के टॉप पे आप हो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से, मतलब अभी आप जाओ वो 7 मीटर ऊंची है, तो इसको 7 मीटर फाइंड मार्क कर दूं, यहां से लेके यहां तक 7 मीटर है, आगे बढ़ो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, अभी एक टावर है, मतलब ये तो बिल्डिंग है और ये टावर है, उस टावर के टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, दैट मीन दिस एंगल हैज टू बी 60 डिग्री, और उसी पॉइंट से उसी टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री कहां बनेगा? यहां बनेगा, समझ आया? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? सीध से बेस लाइन से आपने नीचे कैसे देखा, तो इस बेस लाइन और आपकी लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल। तो अगर कोई आदमी यहां खड़ा है तो उसकी बेस लाइन ये है, अगर कोई आदमी नीचे खड़ा है तो उसकी बेस लाइन ग्राउंड है, लेकिन कोई आदमी अगर साइड पे खड़ा है तो उसकी बेस लाइन क्या हो जाएगी? उसकी सीध में इमेजिनरी लाइन हवा, ठीक है, और ये लाइन ऑफ साइट है, ये उसकी लाइन ऑफ साइट है, तो इसके और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इसी को तो कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की हाइट बतानी है, दैट मींस ये एक्स अगर मान लूं तो ये एक्स पता करना है पूरा यहां से लेके यहां तक। अब सुनिए, अगर ये 7 है तो इतना तो मुझे पता चल गया कि ये भी 7 है, यहां से लेके यहां तक तो 7 पता चल गया, तो केवल ऊपर वाली हाइट अगर पता कर लूं इतनी, तो उसमें 7 जोड़ के टोटल हाइट पता चल जाएगी, बोलो। चलो तो अब कर देते हैं नामकरण, ए बी सी डी ई, बोलो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दो राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुए क्या? बोलो कौन कौन से? ए बी सी एंड ई बी सी, ए बी सी एंड ई बी सी। तो पहले ई बी सी ले लो, क्योंकि ई बी सी के अंदर कुछ डेटा है, ए बी सी तो बिल्कुल कंगाल है, ए बी सी में ज्यादा डेटा नहीं है, ई बी सी से डेटा लेकर ए बी सी में डालना पड़ेगा, तो ए बी सी को राइट साइड ले लेता हूं, ले लिया ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन है, तो क्या हिंट है हमारे पास? 10 थीटा लगेगा,
तो ईबीसी ट्राइंगल में, ईबीसी ट्राइंगल में एंगल सी पे थीटा बन रहा है, तो टेन सी बराबर वही अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। इधर आइए, ट्राइंगल एबीसी में भी सी पे ही बन रहा है, बन रहा है ना, और फॉर्मूला वही अपोजिट बाय एडजेसेंट। भाई दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल सी तो थीटा है, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी सी पे ही हम थीटा अज्यूम कर रहे हैं, और नीचे वाले ट्राइंगल में भी एंगल वर्टेक्स सी पे ही हम एंगल एक्यूट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो जो ईबीसी यानी कि नीचे वाला ट्राइंगल है उसमें सी कितना है 45, और उस 45 के सामने वाली साइड पकड़ो जरा बीई, बीई, और एडजेसेंट साइड बोलिए क्या होगी, ट्राइंगल, ट्राइंगल ई बी सी में 45 डिग्री के सामने वाली साइड ये है बीई, 90 डिग्री के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूस है, तो बची हुई साइड सी बी, ये सी बी होगी ना, बोलो एडजेसेंट साइड सी बी, डन। और बीई की वैल्यू है आपके पास टेन 45 वन होता है, वन होता है, और बीई की वैल्यू है 7 मीटर, सी बी वन के नीचे वन, तो सी बी भी 7 मीटर आ गया, सी बी इंटू वन सी बी, और 7 बन जा 7। और कल भी बताया था, आज फिर से बताते हैं ताकि धीरे धीरे याद हो जाए कि अगर एंगल 45 डिग्री है तो उस ट्राइंगल में अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड बराबर आएंगी, तो ये 7 है तो वो भी 7 होगी ही होगी, ठीक है। अब आइए यहाँ पे सी, ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल सी कितना है, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, बोलो ए बी, 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है ए बी, और एडजेसेंट साइड इसकी भी वही है सी बी, देन 1060 की वैल्यू बोलो, ए बी पता करना है, सी बी अभी अभी पता किया है 7 मीटर है, इसके नीचे 1 लगाओ तो ए बी बन जा ए बी, और 7√3, तो ये ऊपर वाली जो हाइट है ये 7√3 मीटर आ गई, यहां से लेके यहां तक ये 7√3 मीटर आ गई, नीचे वाली 7 ऑलरेडी है, टोटल को इन दोनों को टोटल कर दूंगा तो टोटल हाइट पता चल जाएगी, टोटल हाइट ऑफ टावर, केबल टावर, टोटल हाइट ऑफ टावर क्या कहूंगा, एई, एई इज इक्वल टू ए बी प्लस बीई, टेल मी व्हाट इज ए बी व्हाट इज बीई, तो वैसे तो आंसर फाइनल है ये, और चाहो तो 7 को कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर, मैच करिए, मैच करिए, हुआ मैच, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया। चले नेक्स्ट कर दूं डिलीट, क्वेश्चन नंबर 13, इजी लग रहा है, फिगर बना हुआ इसका शायद है ना, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड दैट, इसका नहीं बना हुआ फिगर है ना, अगले वाले का बना हुआ, ठीक है, क्या कह रहा है, हाँ फिगर वाला तो सेम ऊपर वाला ही बनेगा, अभी जो बनाया नहीं, ऊपर जो दिख रहा है वैसा बनेगा, ठीक है। हाँ जी देखो एक बार पढ़ते हैं हम, ऐसा देखा गया एक 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के टॉप से, यानी एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस को मतलब एक इमारत मान लो, एक बिल्डिंग मान लो, एक टावर मान लो, ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे लाइट हाउस क्या होता है, पहले जब क्लास ली थी तो बताया था क्या होता है, अभी एक बिल्डिंग है उसके टॉप से 75 मीटर टॉप से देखा गया, तो लाइट हाउस समुद्र में होता है, तो समुद्र में आप जहाजों को देखोगे, तो जो भी उधर खड़ा है उसको कुछ शिप्स दिखाई दिए, तो उसने देखा दो शिप्स, उसने क्या देखा दो शिप्स, अब ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एलिवेशन तो बनेगा नहीं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप्स का क्या था, एक का 30 डिग्री था, एक को 30 डिग्री के डिप्रेशन पे देख रहा था वो आदमी, और एक को 45 डिग्री के डिप्रेशन पे देख रहा था। अब एक शिप एग्जैक्टली दूसरे के पीछे है, एक शिप एग्जैक्टली, ये इंफॉर्मेशन बड़ी क्रूशियल है यहाँ पे, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, ये भी बड़ी मतलब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेट्स से मैंने लाइट हाउस बना दिया। अब एक स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है कि सर एक शिप तो यहां है और एक शिप यहां है,
लेकिन ये इस क्वेश्चन का फिगर नहीं बनेगा, क्योंकि लाइट हाउस के दोनों साइड आपने शिप्स खड़ी कर दी। लाइट हाउस के राइट साइड एक खड़ी करी और लेफ्ट साइड एक खड़ी करी, ये तो दोनों बाजू हो गया ना। उसने क्या कहा था, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस आपको दोनों शिप्स खड़ी कर, सेम साइड, समझे। तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी क्रूशियल है, अगर ये इन्फॉर्मेशन ना दें तो फिर ये क्वेश्चन डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि फिर इस क्वेश्चन का फिगर ऐसे भी बन सकता है, 30 डिग्री वाली शिप इधर खड़ी करते हैं और जो दूसरी है 45 डिग्री वाली जो शिप है डिप्रेशन वाली उसको इधर खड़ी कर दें, फिर तो उसके दो फिगर बनेंगे, दो अलग अलग आंसर आएंगे। डन, समझ आया। पर उसने क्लियर कर दिया ना भैया, एक शिप दूसरे के पीछे है, एक शिप दूसरी शिप के पीछे है, तो या तो दोनों को राइट साइड बनाओ या दोनों को लेफ्ट साइड। तो हम क्या करते हैं, दोनों को लेफ्ट साइड बना देते हैं, ये लाइट हाउस हम यहां बना देते हैं, लाइट हाउस से एक शिप हम यहां खड़ी कर देते हैं 30 डिग्री वाली, नहीं ये 45 डिग्री वाली होगी, ये 30 डिग्री वाली होगी, क्योंकि जितना नजदीक जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। ये कर दिया हमने ऐसे, बोलो अब देखो कौन सा एंगल बड़ा होगा दोनों में से, पास वाला, तो ये 45 डिग्री पास वाला और ये 30 डिग्री, और एक शिप दूसरे के पीछे है, ये 30 डिग्री वाली शिप 45 डिग्री वाली शिप के पीछे है, क्या ये फिगर इस क्वेश्चन का फिगर बन सकता है क्या, मतलब है क्या ये इस क्वेश्चन का फिगर, ऐसा ही होगा, इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? Yes, सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन ये इसका अभी भी करेक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, समझे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है बोलो, टॉप से एक इमेजिनरी लाइन बनानी है, टॉप से ग्राउंड के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन बनानी है, और अब डिप्रेशन बनाओ, तो ये वाला एक एंगल बनेगा और ये वाला दूसरा एंगल बनेगा, समझे। अब जो छोटा वाला है वो तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और जो ये बड़ा वाला है ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। डन, यहां तक क्लियर है। अच्छा जी, और ये 75 मीटर इसकी हाइट है, ये भी मार्क कर दो, लाइट हाउस की हाइट क्या है, 75 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप्स के बीच की दूरी निकालनी है, नामकरण कर दें ए बी सी डी, तो सी नाम की शिप और डी नाम की शिप के बीच का ये डिस्टेंस आपको पता करना है, सी डी, डिस्टेंस सी डी आपको पता करना है। डन, क्वेश्चन समझ आया, बोलो। चलिए अब देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन का फिगर बनाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन से इसको सॉल्व करें हो जाएगा, बता दो, और या फिर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही आते हैं। अब पहले तो सरल रास्ता तो क्या होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन बना दो, कैसे, लेट से ये जो ए और इसको ले लेता हूं मैं ई, ए ई ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, ए ई, या एक्स ले लो, चलो ए एक्स ले लो, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट जा रही है ना, पता नहीं कहां तक जा रही है, तो एक्स ले लो, ए एक्स, ई ए एक्स, तो हमको पता है कि ए एक्स पैरेलल है ग्राउंड से, किससे, डी बी से पैरेलल, पता है ना, पता है ना, ये ए एक्स इमेजिनरी लाइन ग्राउंड से पैरेलल बनाई है आपने, तो अगर ये पैरेलल है तो एक बार अगर ए डी को मैं ट्रांसवर्सल मान लू और दोबारा मैं ए सी को भी ट्रांसवर्सल मान लू, ए डी एंड ए सी आर द ट्रांसवर्सल, मान लिया, तो एक एक को पकड़ो, चलो अब ए डी को अगर आपने ट्रांसवर्सल माना, ए डी पे फोकस करो, ए डी, तो ए डी ट्रांसवर्सल के साथ उस लाइन का 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो AD ट्रांसवर्सल के साथ ग्राउंड का एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, बोलो, ये लाइन ऐसे बन रही है ना बेटा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होता है, अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करें क्लास 9th का, ठीक है। और अगर AC को ट्रांसवर्सल माना, चलो AC पे फोकस करो, अब ये 30 डिग्री हो गया, AC को ट्रांसवर्सल माना, तो AC ट्रांसवर्सल के साथ AX का कितना एंगल बन रहा है, तो AC ट्रांसवर्सल के साथ ग्राउंड का एंगल भी 45 डिग्री ही बनेगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और वो एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल्स, दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, तो सो AD ट्रांसवर्सल के हिसाब से बताओ पहले कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, ए डी बी, सो एंगल ए डी बी इक्वल टू ऊपर वाला एंगल एक्स ए डी, एंगल एक्स ए डी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, और एसी ट्रांसवर्सल, ये एडी ट्रांसवर्सल का काम खत्म, अब एसी ट्रांसवर्सल को पकड़ो, तो एसी ट्रांसवर्सल के साथ नीचे वाला एंगल क्या बन रहा है, ए सी बी, एंगल
ए सी बी इक्वल टू ए सी ट्रांसवर्सल के साथ ऊपर वाली लाइन का एंगल क्या बन रहा है, एक्स ए सी एंगल, एक्स ए सी, और ये कितना हो जाएगा दोनों मिलके 45 डिग्री ईच। ठीक है, अब आप ऊपर वाले एंगल्स को भूल जाओ, अब आप जो अभी तक कर रहे थे वो काम आप कंटिन्यू कर सकते हो। ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ले लोगे एबीसी और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ले लोगे एबीडी। ले लो फटाफट से, डिप्रेशन से करवा रहे हैं भाई, तसल्ली रख। इन ट्राइंगल आप अकेले नहीं हो क्लास में, इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है, ए बी सी ए बी डी दोनों में ए बी कॉमन है, तो कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, पहले ए बी सी ले लो। ए बी सी पे हम 10 सी लगा दें, लगेगा तो 10 ही क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए बी डी पे, डी पे बन रहा है 30 डिग्री, तो 10 डी लगा दें। बोलो दोनों में अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, इन दोनों का रीजन डाल देना भाई, दोनों का कॉमन रीजन डाल दो, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय वही एडजेसेंट साइड, और इधर 10 डी में भी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। टेल मी एंगल सी कितना है, कितना है एंगल सी, 45 डिग्री, 45 डिग्री तो बराबर होगा, ये 75 है तो ये भी 75 होगा, अब तक तो इंट मिल गया होगा। चलो निकाल लो, अपोजिट साइड यानी ए बी, एडजेसेंट साइड क्या है बी सी, इधर आओ, डी कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने सेम ए बी, अपोजिट साइड सेम है, अब की बार एडजेसेंट पूरी है बी से लेकर डी बी डी। चलिए तो टेन 45 डिग्री वन, ए बी कितना है 75 डिवाइडेड बाय बी सी, इस पे के नीचे वन आ गया, बी सी बन जा बी सी, 75 बन जा 75, तो बी सी 75 मीटर आ गया, इसको इधर इस्तेमाल करो। टेन 30 डिग्री यानी कि 1 बाय रूट 3 ए बी, ए बी वही है कितना 75, बी डी को स्प्लिट करना पड़ेगा भैया, बी सी प्लस सी डी, ऐसा करना पड़ेगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और नेक्स्ट स्टेप में बी सी की वैल्यू लिखो, निकालिए ना अभी अभी आपने 1 बाय रूट 3 इक्वल टू 75 प्लस बी सी की वैल्यू क्या निकाली 75, बी सी की वैल्यू यहां से पुट अप करो 75 प्लस सी डी, तो इस इक्वेशन में केवल सी डी रह गया, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75 रूट 3 है और इधर 75 प्लस सी डी को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो वही आ जाएगा 75 प्लस सी डी, और 75 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कराओ 75 रूट 3, तो यहां से सी डी की वैल्यू प्लस 75 है तो उधर जाके माइनस 75, तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 75 को कॉमन ले लें तो क्या बचता है रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये आ गया हमारा फाइनल सी, जो कि इन दोनों शिप्स के बीच की दूरी है, 75 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस 1, ये इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, और रूट 3 की वैल्यू अगर गिवन है, इनकेस किसी भी क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, अगर गिवन है तो पुट जरूर करनी है 1.732, अगर पुट गिवन है तो डाल दी। ये वाला तरीका समझ में आया, अब डिप्रेशन से करके दिखाएं, रेडी कर दूं इसी में फेरबदल। हाँ जी चर्चित, डिप्रेशन से करें, किया था पहले आपने डिप्रेशन से, एक बार भी नहीं किया। चलो देखो मुझे एक चीज बताओ, टी से अगर मैं एक्स ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, कर दिया, लेट्स से ये डी ई हो गया, डी ई परपेंडिकुलर टू एक्स है, ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी में एंगल है 30 डिग्री है, और राइट एंगल ट्राइंगल ए ए डी ई हो गया, अच्छा सी से भी करना पड़ेगा, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ, अब राइट एंगल ट्राइंगल एक तो बन गया ए डी ई, देखो ध्यान से ए डी ई, दूसरा बन गया ए सी, और यहां पे एफ डालना पड़ेगा ए सी एफ, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक एंगल हमको पता है, एक्यूट एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री, और एक साइड भी पता है कौन सी, देखो अगर ए बी 75 है तो भैया ये भी 75 है और वो भी 75 है ना, ठीक है, थोड़ा क्लियर बनाते हैं, थोड़ा हिंट तो यहां से मिल गया, थोड़ा क्लियर बनाते हैं। हाँ अभी बताओ, एक मिनट रुको, ये तो है ओरिजिनल फिगर,
बोलो क्या था, ए बी सी डी, और ये था 75 meters गिवन, राइट बोलो, और डिप्रेशन एंगल बनाए थे हमने इमेजिनरी लाइन खींच के ऐसे, तो लास्ट तक ले जाओ, लास्ट में एक्स है, ठीक है, तो ये वाला एंगल तो बना था हमारा 30 degree, दिस एंगल वॉज, एंड दिस टोटल एंगल वॉज, ठीक है। अब एक तो आप डी से बनाओ परपेंडिकुलर, डी डी ई ले लो, डी ई, और एक बनाओ आप सी से परपेंडिकुलर, सी एफ, तो मुझे बताओ ये 75 है तो ये भी 75 और ये भी 75, ओके। अब आप किस किस को ध्यान से देखें, मैं बाकी की चीजें हटा रहा हूं, अभी तो क्या है बहुत सारी चीजें मिक्स में है तो आपको दिख नहीं रही है, मैं एक बार बाकी की चीजें हटाऊं तो आपको दिख जाएंगी, देखना ध्यान से, अभी बाकी चीज लगानी पड़ेगी वापस, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है, और एक लाइन बस हट गई ए से लेके डी वाली, वो बना दो वापस, हो गया ना काम, ए से लेके डी वाली। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं उल्टे लटके हुए, ट्राइंगल ए ए एफ सी, देखा भाई मयंक, ए एफ सी, दूसरा ए ई डी, ट्राइंगल ए, इसको भी हटा दो फिर, जब वो लाइन ही हटा दी तो ये क्या लटक रहा है, हटो भैया, ठीक है, इन ट्राइंगल ए, आपको वहां हटाना नहीं है, आपको वहां पे अवॉइड करना है, उसको इग्नोर करना है, भैया तू है ही नहीं, उल्टे ट्राइंगल से की बार मेरे पास, ट्राइंगल ए एफ सी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए ई डी, ए ई डी, तो इसमें तो लगा दो आप, किस पे बन रहा है एंगल, एक्यूट एंगल किस पे बन रहा है, ए एफ सी में, ए पे, दोनों पे ए पे ही बन रहा है, तो इस पे टेन है और उसमें भी ए पे ही बन रहा है, टेन है, बोलो ए के सामने वाला, ए के 30 degree के सामने वाली साइड कौन सी है, चेक करो सी एफ, और सी एफ कितनी है 75 है ना, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए एफ, डन, ठीक है, इधर आओ, इधर ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बड़े वाले ट्राइंगल में ए के सामने वाली साइड क्या है, डी ए डी ई, और डी ई सेम है 75, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए ई, ए ई को क्या तोड़ के लिख सकता हूं मैं, ए एफ प्लस एफ ई, डन। अब इसमें से मेरे पास क्या क्या चीज गिवन है, यहां से मैं ए एफ निकाल के उधर पुटअप कर दूंगा, यहां पे एंगल ए कितना है 30 degree, तो टेन 30 degree, यानी कि ये 30 degree है और वो कितना है 45 degree, तो टेन 30 degree 1/√3 इक्वल टू 75/AF, यहां से ए एफ बन जा, ए एफ इक्वल टू 75√3, इसको उधर पुटअप करो, टेन 45 वन वन बराबर 75 प्लस ए एफ की वैल्यू, कुछ गलत कर दिया क्या, ए एफ सी में, अच्छा उल्टा कर दिया है, ठीक है तो सही करो, ये तो है 45 और वो है 30, ये है 45 और वो है 30, तो फिर ये वन आएगा, ये वन आएगा वन बाय वन, तो ये 75 meters आ जाएगा, सही है 75 meters, और वो आएगा 1/√3, वो क्या आएगा 1/√3, ए एफ की वैल्यू 75 है सही, प्लस एफ ई, तो कुछ ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर पिछले में बार में बना था, 1/√3 बराबर 75/75 प्लस एफ ई, चेक करो इधर भी कुछ ऐसा ही बना था, 1/√3 बराबर 75/75 प्लस सी डी था, यहाँ पे सी डी था वहां पे, तो चेक करो सी डी और ई एफ बराबर ही तो है, तो अगर मैं ई एफ निकाल लूंगा तो वही, तो ई एफ भी तो दो शिप्स के बीच की दूरी मानी जाएगी, तो उल्टा मतलब मैंने सोल्व किया है, ट्राइंगल को उल्टा कंसिडर करके सोल्व किया, ये ई एफ निकाल लिया, ये ई एफ ही सी डी होगा, तो यहाँ से वही सेम चीज आ जाएगी, हाँ बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें 30 और इसमें ये 60, अच्छा, और तो वो तो फिर बात एक ही है ना बेटा, आप उस एंगल से अंदर तो प्रवेश कर रहे हो ना, तो अंदर प्रवेश कर रहे हो तो सीधा करो ना, 30 से 30, 45 से 45, बात तो एक ही है, अगर वो 60 है, मुझे बताओ वो 60 है, तो जहां आप 10 30 degree लगा रहे थे, अब आप cot 60 लगाएंगे, यही करोगे, तो बात तो वही है ना, हाँ 10 60 लगा दोगे तो चेंज हो जाएगा ना, इसके हिसाब से अपोजिट साइड ये हो जाएगी, उसके हिसाब से अपोजिट साइड ये हो जाएगी, तो वैल्यू 1/√3 की जगह √3 आएगी, तो वो भी रेसिप्रोकल हो गई, ये भी रेसिप्रोकल हो गई, कुल मिला के कॉन्सेप्ट यही लगेगा,
और यही एक्सप्रेशन बनेगा एग्जैक्टली। आप जो कह रहे हो कर सकते हो, लेकिन उससे आसान है फिर ये करो, ऑल्टरनेट एंगल से अंदर आ जाओ, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा ऑप्शन है ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट ना यूज करें और सीधा ही क्या करें, ट्राइंगल्स, उल्टे ट्राइंगल्स को कंसिडर करें, उसमें फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपकी इच्छा है आप डिप्रेशन से चलें या डिप्रेशन से एलिवेशन पर आके चलें, ठीक है, बोलो समझ आया। क्लास में हमने क्या किया था बताओ, एलिवेशन बना के किया था, डिप्रेशन से एलिवेशन बना के किया था। चलिए एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट, आप कितने बचते हैं ये बताओ, ठीक है चलो बताओ। 14th वाला बताओ पहले, 14th वाला बहुत बड़ा सरल है। देखो अब यहाँ पे 1.2 मीटर टॉल गर्ल दे रखी है, तो मैंने क्या कहा अगर व्यक्ति की हाइट दे रखी है तो वो कंसीडर करनी है, वो कंसीडर करनी है। तो ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये एक बैलून को देखती है विद द विंड मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जब वो बैलून को देखती है तो बैलून जो है विंड के साथ उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे उड़ रहा है, ऐसे डायगोनली या ऐसे नहीं उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, ग्राउंड के पैरेलल वो उड़ रहा है, ठीक है उड़ रहा है तो ठीक है। और उसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर। इस बैलून की हाइट टोटल जमीन से कितनी है 88.2, ये दिया हुआ भी है। तो अगर ये टोटल 88.2 है तो 1.2 तो उसकी खुद की हाइट है, तो उसकी आंखों से मतलब जहां से उसकी नजर जा रही है वो अगर मैं हाइट निकालू तो 1.2 माइनस कर दूंगा 88.2 में से, तो कितनी बचेगी 87, कितनी बचेगी 87। अच्छा जी एक और चीज, अगर बैलून हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, बैलून अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो जो उसकी पहले हाइट होगी थोड़ी देर के बाद भी उतनी हाइट होगी, क्योंकि वो हाइट तो कम ज्यादा कर ही नहीं रहा ना, वो तो हॉरिजॉन्टली चल रहा है, समझ गए क्या। तो इधर जो इसकी हाइट होगी 88.2, अगर इधर होगी तो इधर भी 88.2 ही होगी। नहीं वहां खत्म, अभी आएगा आएगा आएगा, मैं पानी पीने गया है, प्यास लगी उसमें। कहीं गया ही नहीं है, इधर ही है। तो अभी तक इतने दिन हो गए आपको ये नहीं पता चला कि यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है, क्यों लगवाया ये सवाल, ऐसा सवाल पूछ, पहला वाला सवाल तो तेरा इनवैलिड था। चलो देखो, अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, कब था, देखो ये गर्ल है, पहले बैलून यहां था तो इस जगह पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, कितना था 60 डिग्री, और थोड़ी देर के बाद वो हॉरिजॉन्टली बैलून मूव होके आगे आ गया, यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री ही रह गया, 30 डिग्री रह गया, समझ गए। तो अभी जो मैंने डिप्रेशन वाले क्वेश्चन कराए थे, ध्यान से सोचो उन ट्राइंगल को सीधा कर दो तो ऐसा ही बनेगा। तो सेकंड पार्ट कराया मैंने डिप्रेशन, जिसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल उल्टे लटक रहे थे, उनको सीधा कर दूं तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आपको क्या पता करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवेल। तो बैलून ने कितनी दूरी तय करी, तो बैलून ने यह दूरी तय करी है भैया इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक की दूरी तय करी, समझ गए। चलो क्विकली मार्क करो, ये ए, ये बी, इसको ले लो सी और इसको ले लो डी और उसको ले लो एफ, ठीक है। चलिए तो आइए यहां पे ये 87 हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा 87, क्योंकि 1.2 खत्म हो जाएगा, और ये एफ से लेके सी भी कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, हाँ मीटर। बताओ कौन से ट्राइंगल को लें सबसे पहले, राइट एंगल ट्राइंगल कौन से वाले को लें, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो है ए बी डी और एक है एफ सी डी, एफ सी डी को ले लें पहले, ट्राइंगल एफ सी डी, इस ट्राइंगल एफ सी डी में डी पे बन रहा है एंगल टेन डी, टेन डी इक्वल टू, तो डी के एफ डी के सामने वाला ये 60 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या साइड कौन सी है एफ सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी डी सी, डन। इधर आओ बड़ा ट्राइंगल पकड़ो, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी,
इस ट्राइंगल एबीडी में भी टेन डी लग जाएगा, और डी के सामने वाला लेकिन अब की बार साइड क्या है, ए बी, और एडजेसेंट क्या है, डी बी, और डी बी को स्प्लिट कर दो जरा, डी बी को स्प्लिट कर दो, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी, आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में कर देना। चलो बताओ छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल डी कितना है, बोलो। अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल भी छोटा होगा, देखो छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल बड़ा है और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल छोटा है, ठीक है, तो ऐसा कोई अजम्पशन लेके मत चलना। 10 60 डिग्री, यहाँ पे 10 30 डिग्री, एफ सी भी 87 है और ए बी भी 87 है, दोनों 87 है, ठीक है, और बी सी, तो ये बी सी था, डी सी प्लस सी बी, अच्छा तो डी सी तो मैं अभी पता कर लूंगा वहां से, यहां से मैं डी सी भी पता कर लूंगा, एज इट इज छोड़ दो, और सी भी मुझे पता कर, यानी दोनों को एज इट इज छोड़ दो। 1060 की वैल्यू √3 87/DC, ठीक है, सो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, DC × √3, √3 × DC, 87 बन जा 87, सो यहां से DC की वैल्यू आ जाती है 87/√3 मीटर। रैशनलाइज नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, इसको एज इट इज वहां पे यूज लाओ। सो बोलो 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू 87 ऊपर है, नीचे डीसी बताओ कितना होगा, 87/√3 होगा, और प्लस फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सी बी, ये पूरा बाइनोमियल इस वन से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा, क्योंकि वन से जो मल्टीप्लाई होगा सेम ही आंसर देगा, तो 87/√3 + CB × 1, 87/√3 + CB ही बनेगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो, बोलो बोलो भाई, ठीक है, और इक्वल टू 87 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87√3। अब सीबी की वैल्यू निकालने के लिए उधर माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि रेशनलाइज ना करने से कुछ फायदा नहीं मिला, ठीक है, यहां से सीबी निकालो जो आपको फाइनली चाहिए था, सीबी निकालने के लिए इसको उधर क्या करना पड़ेगा, माइनस 87/√3 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो अब √3 को एलसीएम ले लें, बोलो √3 को एलसीएम ले लेते हैं, सो √3 × √3 3, तो ये क्या हो गया 87 × 3, और यहाँ पे क्या रिजल्ट बच जाएगा 87, दोनों में से 87 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचता है, 3 − 1/√3, 3 − 1 यानी 2, और 87 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 = 14, रिमाइंडर 1, 2 8 = 16 और 1 17, तो 174/√3 मीटर आ गया, लेकिन अब इसको रेशनलाइज करना जरूरी है क्योंकि ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर में रूट थ्री नीचे नहीं रहना चाहिए, तो क्या आंसर आया था एक बार बताओ। हाँ बात तो एक ही है, वो हर बच्चा इतने आसानी से नहीं समझ पाता, ये ज्यादा आसान तरीका है, 174√3 और 3 √3 √3, 3 5 = 15, 3 8 = 24, तो आंसर इज 3 8 = 24, 58 आ रहा है, 24 कहाँ आ रहा है, 58√3 मीटर। बोलो समझ आया, ये पीछे सॉल्यूशन है, कोई चीज नहीं समझ आई तो बताओ, कैलकुलेशन वाइज भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ, देखो ये वन है इधर और ये पूरा बाइनोमियल है, ये इससे गुणा हुआ है तो वन से गुणा होके सेम टू सेम आंसर आता है, और फिर 87 से √3 गुणा होके 87√3 बन गया, समझ में आया अच्छे से, और 87/√3 उधर जाके फिर माइनस किया, √3 को एलसीएम लिया, और ये 87 × 3 है −87, तो 87 87 दोनों से कॉमन ले लिया, यहां से बचा 3, वहां से बचा 1, 3 − 1 2, और 2 को 87 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर आप 87 कॉमन ना लेना चाहें तो भी कर सकते हो, 87 × 3 सॉल्व कर दो, उसमें से फिर 87 घटा दो, फाइनली वो ही आएगा 174, ठीक है, 87 के 3 गुने में से 1 87 हटा देंगे तो 87 का 2 गुना ही तो बचेगा, ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन पे, कर दूं उसको डिलीट, बिल्कुल, कल से हम ट्रायंगल से स्टार्ट करने वाले ना। एक बार ट्रायंगल सर्कल करके फिर 6 चैप्टर का एक साथ टेस्ट लेंगे, ठीक है, तो रेडी रहना। हाँ जी क्वेश्चन नंबर बताओ जल्दी बोलो, 15th, देखो 15th, अच्छा स्ट्रेट हाईवे वाला है, देखिए स्ट्रेट हाईवे वाले क्वेश्चन में हमको स्पीड डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर वो याद नहीं है इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, अब बातें नहीं इधर ध्यान दो,
और अगर आता है तो जाओ, आता है ये क्वेश्चन आता है। हाँ तो इधर ध्यान दो, ए स्ट्रेट हाईवे है जो कि फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रहा है, ये रहा मेरा फुट ऑफ द टावर, ये रहा मेरा स्ट्रेट हाईवे जो इसकी तरफ जा रहा है, जा रहा है ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज। तो एक आदमी जो टॉप पे खड़ा है वो चेक करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिलता है उसको शुरुआत में, लेट से ये शुरुआत में गाड़ियां हैं तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है 30 डिग्री, और फिर थोड़ी देर के बाद देखता है तो कितना मिलता है 60 डिग्री। इस तरीके से है क्वेश्चन। अब देखो डिप्रेशन की बात हो रही है वैसे तो कायदे से तो इमेजिनरी लाइन बननी चाहिए, बन के ये होना चाहिए 30 डिग्री और ये होना चाहिए 60 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन ऑलरेडी डिफिकल्ट है, ऑलरेडी डिफिकल्ट है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है, तो अभी मैं उस एलिमेंट को हटा देता हूं, वो सब आप कर लोगे कि वो 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये अजम्पशन आप कर लोगे, तो इस चीज को मैं अभी ऊपर से हटा ही देता हूं क्योंकि जब तक वो रहेगा तो कंफ्यूजन रहेगा। कुल मिला के ये 30 डिग्री हो गया और जैसे जैसे करीब गया तो 60 डिग्री हो गई, डन। अब इधर से क्वेश्चन को पकड़ते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको डिप्रेशन बनाना है। आ जा पूरा इधर तक इसके पास में आ जा, कहां से शुरू हुआ था तू देख, 6 सेकंड बाद गाड़ी आ रही है, आप गाड़ी में थोड़ा ना बैठे हैं। हाँ जी, ए बी सी डी और कुछ इसमें गिवन नहीं है, ना कोई हाइट गिवन है ना कुछ गिवन है ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले कितना था 30 डिग्री और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले बाद में कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ओके 0 30 देन 45 देन 60 देन 90 ठीक है, इस जगह पे था और अब इस जगह पे आ गया। अब सवाल ये है कि यहां से पूरा 90 डिग्री यानी कि बिल्कुल फुट ऑफ द टावर में पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये तो पूछा है। सवाल पढ़ो कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अब जब वो जहां पे खड़ा है, अब तो सी पे खड़ा है ना, वो 6 सेकंड के बाद वो सी पे पहुंच चुका है तो सी से अब बी पे पहुंचने में उसको और कितना समय लगेगा, तो चेक करो 30 डिग्री से 60 डिग्री पे आने पर अगर 6 सेकंड लगते हैं तो 60 डिग्री से 90 डिग्री पे आने पर ये इसका आधा है या नहीं, ये चेक करो भाई, 30 से 45, 45 से 60 दो कदम और 60 से 90 तो एक ही कदम हुआ, तो जस्ट इसका आधा यानी 3 सेकंड लगेंगे, तो क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया था, क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया था। अगर इनकेस एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हो या मल्टीपल चॉइस में आ जाता है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भाई। 30 डिग्री से 60 डिग्री पे आने पर 6 सेकंड लगे, 30 डिग्री से 60 डिग्री कितने कदम है, दो कदम है, अब 60 डिग्री से पूरा फुट ऑफ द टावर जाना है, 90 डिग्री पे जाना है, एक कदम और चलना है, दो कदम चलने में अगर 6 सेकंड लगते हैं तो एक कदम चलने में 3 सेकंड लग रहे होंगे ठीक है, बट अगर सब्जेक्टिव में आता है तो ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते ना ठीक है। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको शुरुआत में, आंसर देखो एंगल डिफरेंस इक्वल नहीं है लेकिन एंगल डिफरेंस का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता। आप याद करो 10 0 से 10 30, 10 30 से 45 बराबर बराबर चल रहा था, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और बोलो 4/4, तो एंगल डिफरेंस तो पहले भी सेम नहीं था पर ये तो बराबर ही चल रहा था, यस ऑर नो, समझ गए ठीक है ना। चलो जी आइए अब अपने को यहाँ पे एक्स और वाई का वाली बात ही इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं है। तो लेट्स से डी से लेके सी तक जो डिस्टेंस चली गई है वो एक्स मान लेते हैं, मान ली बोलो ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी डी पकड़ लो, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल या छोटा पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, इन ट्राइंगल ए बी डी और छोटा ट्राइंगल क्या है, छोटा ही पकड़ो पहले सी और बड़ा ट्राइंगल क्या है बोलो, ट्राइंगल ए बी डी, डन ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी दोनों में 10 लगाओ, ए बी सी में तो किस पे लगेगा, ए बी सी में सी पे लगेगा और ए बी डी में किस पे लगेगा, ए बी डी किस पे लगेगा, डी पे लगेगा, एक्यूट एंगल डी पे बन रहा है, फॉर्मूला वही अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो एंगल सी के सामने वाली साइड बताओ ए बी क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड बताओ बी सी,
इधर टेन डी के सामने वाली साइड बताओ, मतलब डी के सामने वाली साइड बताओ, वही सेम ए बी, सेम ए बी, लेकिन एडजेसेंट साइड अलग हो जाएगी बी डी, बी सी नहीं होगी, क्या होगी बी डी, और बी डी को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, बी डी को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं बोलो भाई, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। हाँ अब आप सी डी को यहाँ पे एक्स पी रख सकते हैं, चलो रखेंगे। आओ टेन सी, सी कितना है तो टेन सिक्सटी डिग्री हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 1060 डिग्री यानी कि इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी को हमने कुछ नहीं लिया, छोड़ो ठीक है इधर आओ, 1030 डिग्री 1 बाय रूट 3, और ए बी कितना है पता नहीं, बी सी क्या है 60 डिग्री, बी सी बराबर 60 डिग्री बोल मत देना किसी को, ठीक है 6 सेकेंड्स डिस्टेंस है क्या, तो टाइम है अभी, अपन डिस्टेंस डिस्टेंस खेल रहे हैं, अभी टाइम को साइड में रख ठीक है, अभी अपने को पहला काम क्या करना है, डिस्टेंस डीसी, देखो मेरी बात सुनो, सवाल क्या है कि डीसी को चलने में 6 सेकंड लगते हैं, सीबी को चलने में कितने कितने सेकंड लगते हैं, ये सवाल है, तो हमको ये पता चल जाए डीसी कितने मीटर है, सीबी कितने मीटर है, तो टाइम का कंपेरिजन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि मेरे को यहाँ से जयपुर जाने में इतने घंटे लगे, तो बताओ जयपुर से दिल्ली जाने में मुझे कितने घंटे लगे, तो आप क्या कहोगे सर जयपुर दिल्ली भूल जाओ, आप ये बताओ पहले कितना डिस्टेंस चले और अब कितना चल रहे हो, फिर आप कैलकुलेशन कर लेंगे, बी से सी आने में 6 सेकंड लग रहे हैं, सी से बी आने में बताओ कितने लग रहे हैं, तो आप ये पता लगा लो कि बी सी कितना मीटर है डिस्टेंस वाइज और सी बी कितना मीटर है, दे भी रखा ना, चलो आप कुछ भी मत बताओ तो रिलेशन बता दो, बी सी सी बी का दोगुना है या डीसी सीबी का, सीबी का आधा है, वन थर्ड है, इन दोनों का अगर रिलेशन पता चल जाएगा तो हो जाएगा ना काम, तो वो रिलेशन पता कर रहे हैं अभी अपन टाइम को साइड में रख के। चलिए तो इधर आइए, तो यहां से ए डिवाइडेड बाय वन और बी सी, बी सी तो हमको पता ही नहीं है, और सी डी को चाहो तो एक्स रख लो, नहीं तो सी डी भी छोड़ सकते हो, क्योंकि बी सी और सी डी का रिलेशन ऐसे ही देख लेंगे। आ जाओ तो यहां से कॉमन चीज है ए बी जो दोनों में है, अपोजिट साइड कॉमन है ना, तो ए बी की वैल्यू निकालो, ए बी बन जा इक्वल टू रूट थ्री, और बी सी रूट थ्री, ए बी की वैल्यू अब उधर पुट अप कर दो, तो वन बाय रूट थ्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लस, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से बी सी और सी डी का रेशियो पता चल जाएगा, बी सी और सी डी का क्या पता चल जाएगा रेशियो, बी सी, बी सी रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, थ्री बी सी, और वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस सी डी इंटू वन बी सी प्लस सी डी, और बी सी को इधर बुलाओ तो एक बी सी कम हो जाएगा टू बी सी इक्वल टू सी डी, तो यहां से टू को उधर भेज दें अगर हम, और सी डी को इधर बुला लें, या तो ऐसे कर लो कि बी सी डिवाइडेड बाय सी डी इक्वल टू टू बाय वन, या तो ऐसे कर लो, तो पता चल गया कि बी सी और सी डी में टू टू वन का रेशियो है, बी सी और सी डी में कितना रेशियो है, तो आंसर गलत आ रहा है, फिर इसका आंसर चेक करना क्या है, तीन सेकंड है, बी सी और सॉरी टू बाय वन थोड़ा होगा, वन बाय टू होगा ना, हाँ सही है, टू बाय वन नहीं होगा ना, टू उधर जाके डिवाइड होगा ना, अब सही आ रहा है ना, देखो सी डी, सी डी बी सी का दुगना है ना, सी डी बी सी का दुगना है, तो हमारा भी तो यही आ रहा था कि सी डी बी सी का दुगना था, तो इधर 6 सेकंड लग रहे थे तो इधर 3 सेकंड, या तो इस रेशियो से चलो, और रेशियो से समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको 2bc इक्वल टू cd पर छोड़ दो, एक बार 2bc इक्वल टू cd पर छोड़ दो, और अब आप स्पीड डिस्टेंस टाइम के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करो, नेक्स्ट पेज पे आओ, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो केस वन में, केस वन में आपने कितनी डिस्टेंस चली बताओ, केस वन में आपने कितनी डिस्टेंस चली और कितने टाइम में चली, उससे स्पीड निकालो, समझ गए, तो केस वन में आपने डिस्टेंस चली थी डी सी या सी डी, क्या डिस्टेंस चली थी, क्या डिस्टेंस चली थी सी डी, कितने टाइम में चली थी 6 सेकेंड्स में चली थी, तो स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि सी डी डिवाइडेड बाय 6, सी डी डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई हमारी स्पीड, अब स्पीड जो है सेम रहेगी, गाड़ी तो वही है ना, तो इधर से स्पीड पता कर लेने, तो केस टू में उस स्पीड को यूज कर लो, समझ गए, केस टू में उस स्पीड को यूज करो, अब केस टू में आपको कितना चलना है डिस्टेंस बताओ, केस टू में आपको डिस्टेंस कितना चलना है, और केस टू में आप टाइम आपको पता करना है, तो आप पहले स्पीड लिखो,
बाद में आप टाइम लिखो, क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड पता, उसमें देखो टाइम पता था, स्पीड पता करनी थी, और इस वाले केस में स्पीड पता है और टाइम पता करना है, तो जो पता करना है वो लास्ट में लिख दिया। इसमें डिस्टेंस कितनी चलनी है चेक करो, चेक करो, बीसी चलनी है, इसमें डिस्टेंस चलनी है हमने को बीसी। स्पीड सेम, ऊपर वाली कॉपी पेस्ट करो, सीडी डिवाइडेड बाय 6। तो टाइम पता कर लूं मैं, कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है? बीसी। स्पीड क्या है? सीडी डिवाइडेड बाय 6। और बीसी और सीडी का रेशियो या रिलेशन मुझे पीछे से पता, मैंने कहा ना इसको संभाल के रखो, तो देखो जरा ध्यान से, सीडी को ट्वाइस बीसी लिख सकते हैं, तो जहां सीडी हमारा ट्वाइस बीसी लिख दो, ये लो, जहां सीडी नीचे है ना सीडी, तो उसकी जगह क्या लिख दो? ट्वाइस बीसी। तो बीसी और सीडी की जगह लिख दिया मैंने ट्वाइस बीसी, और उसके नीचे है 6। तो बीसी से बीसी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 ऊपर चला गया, तो 3 सेकेंड्स इज द आंसर। समझ आया? आ गया मजा? हाँ, और पीछे तो क्या, यहीं से तो स्टार्ट किया। एक्स मैंने रखा ही नहीं ना, मैं सीडी चाहो तो आप ये सीडी की जगह एक्स 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 रख दो, ठीक है? सीडी में पहले निकाल लेता, कैसे? ना तो मेरे पास बीडी है, ना मेरे पास बीसी है, कुछ है ही नहीं, क्या निकालो? इसलिए मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है? ओके, अब एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपके कोर्स से इस बार हट चुका है। इसका कारण ये है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस आपके कट चुके हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके कोर्स से कट चुका है। फिर भी अगर किसी बच्चे को सीखना है तो अभी 2 मिनट आ जाओ, क्लास के बाद सिखा देते, और नहीं है इंटरेस्ट तो जाओ, कल से अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी 2 चैप्टर का और रिविजन कराएंगे ऐसे ही, तीन चार दिन में, और फिर 6 चैप्टर का एक साथ टेस्ट होगा, ठीक है? रेडी रहना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।